है। जेकेजे ज्वेलर्स और जोशी समूह पर छापेमारी में 709 करोड़ के काले कारोबार, उससे अर्जित काली कमाई के खुलासे के साथ छापेमारी आखिरकार समाप्त हो गई है। विभागीय अधिकारियों ने 1,84,00,000 रुपए की नकदी और 18,48,00,000 की निजी ज्वेलरी जब्त की। इसी के साथ करदाता की ओर से अपनाए जा रहे कर चोरी के नए नए तरीकों का भी पता लगा है। इस कार्रवाई में जब्त किए गए दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन से कई खुलासे होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट आप देखिए। जेकेजे ज्वेलर्स और जोशी समूह पर छापेमारी में आयकर अधिकारियों के हाथ सर्वर और हार्ड डिस्क में बड़े पैमाने पर नगद में किए गए कारोबार का खुलासा हुआ है। आयकर अधिकारियों ने इस छापेमारी में 709 करोड़ रुपए मूल्य में किए गए नगद लेन देन का पर्दाफाश करने का दावा किया, जबकि कार्रवाई में 20.32 करोड़ की जब्ती भी हुई है। छापेमारी में हवाले से किए गए करोड़ों रुपए के लेन देन के प्रमाण भी जुटाए गए। इसके अलावा जेकेजे ज्वेलर समूह के शोरूमों के किए गए स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 130 किलो सोने का हिसाब अधिकारियों को नहीं मिला, जिसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई होगी। जेकेजे ज्वेलर्स और जोशी समूह के सभी ठिकानों पर छापेमारी समाप्त होने के बाद अब अधिकारियों का पूरा फोकस कार्रवाई में मिले दस्तावेज की विस्तृत जांच पर रहेगा, जिससे अब तक पकड़े गए 709 करोड़ के काले कारोबार और इससे अर्जित काली कमाई से पर्दा भी उठेगा। सूत्रों का कहना है कि जेकेजे ज्वेलर समूह के यहाँ स्टॉक के अलावा नगद में की गई ज्वेलरी की बिक्री का खुलासा करने में भी अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है। ज्वेलर समूह अपने कुल बिक्री का 30% से कम राशि को ही लेखा पुस्तिकाओं में दिखा रहा है। इस आधार पर विभाग राज्य के अन्य ज्वेलर्स के कारोबार को शक की निगाह से देख रहे हैं। आयकर छापेमारी में अधिकारियों के हाथ लगे दोनों समूह के संचालकों के मोबाइल में हवाला कारोबार से जुड़ी व्हाट्सएप चैट और निवेश से संबंधित दस्तावेज की जांच का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हवाला लेन देन में दोनों ही समूह के संलिप्तता बताई जा रही है, जिसके आधार पर ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे। साथ ही अधिकारियों के हाथ ऊंचे ब्याज दरों पर किए गए लेन देन से संबंधित प्रमाण भी दोनों समूह की मुसीबत बढ़ाएंगे। आयकर अधिकारियों को मिली हार्ड डिस्क में समूह के पूरे कारोबार का कच्चा चिट्ठा बताया जा रहा है। इसके अलावा जोशी समूह के विनय जोशी की कंपनी विश्व एम्पायर में बोगस शेयर कैपिटल खरीदने वाले कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट खंगाले जाएंगे। जोशी समूह के संचालकों की विदेशों में स्थित एक प्रॉपर्टी का भी पता लगा है। जॉर्जिया में खरीदी गई इस प्रॉपर्टी में किए गए निवेश और इसके स्रोत को लेकर आयकर अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य एजेंसियों से संपर्क करेंगे। ऐसे में विदेशों तक तार जुड़े होने के चलते कस्टम्स, DRI और ED जैसी एजेंसियां भी अपनी जांच शुरू कर सकती है। कहते हैं करते सब हैं, लेकिन पकड़े कुछ ही जाते हैं। जेकेजे ज्वेलर समूह और जोशी समूह के यहाँ हुई आयकर छापेमारी ने यह स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ज्वेलर्स के यहाँ होने वाले कारोबार में काफ़ी बड़ा हिस्सा नगद में बिक्री के रूप में होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है वह रजिस्ट्री भी DLC रेट्स के आसपास ही होती है, लेकिन सौदे इससे कहीं अधिक दरों पर होते हैं। देखने वाली बात यही है कि इस छापेमारी में मिले परिणामों के आधार पर जयपुर ही नहीं राजस्थान के ज्वेलर्स और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले लोग कितना सबक लेते हैं और या तो वे पर्याप्त आयकर का भुगतान करें या फिर आयकर अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।